भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर 48वीं बटालियन जयनगर के एसएसबी जवान ने अलग अलग कार्रवाई में तस्करी के लिए जा रहे 480 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि एसएसबी के जवानों ने पहली कार्रवाई रैमा गांव से तस्करी के लिए जा रहे देसी शराब व बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सहरघाट के राजू राम के रूप में बताए गए हैं। गिरफ्तार तस्कर के पास से 300 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर भारत नेपाल सीमा गंगौर के रास्ते शराब की एक खेप लेकर जा रहा था, जहां गश्त कर रहे एसएसबी के जवानों ने बाइक के साथ तस्कर का पीछा कर रैमा गांव से धर दबोच लिया है। एसएसबी कार्रवाई के बाद तस्कर व जब्त शराब और बाइक को सहरघाट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। नियुक्त जानकारी देते हुए थाना अधीक्षक विजय पासवान ने कहा कि शराब व बाइक को जब्त कर गिरफ्तार तस्कर को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई एसएसबी जवान ने बॉर्डर के मधुपुर थाना के ब्रह्मस्थान के पास की है, जहां बाइक पर जा रहे तस्कर के पास से 180 बोतल नेपाली शराब व एक बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सहरघाट थाना क्षेत्र के सहरघाट निवासी बलबीर कुमार के रूप में बताए गए हैं। जब्त शराब और बाइक को मधुपुर थाना के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल ने कहा कि शराब और बाइक को जब्त कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक प्रक्रिया में जेल भेजा जा रहा है। चेहरा ऊपर करो। चेहरा ऊपर करो।